ठीक है तो आ, अब हम यहाँ पे अपना सेल का आ, कुछ पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? तो सेल दी बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं बाकी मुझे पता है कि तुम सब लोगों को बहुत कुछ पता है ठीक है तो अगर चांस बाई चांस सबका हां हां बिल्कुल 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 ठीक है तो ठीक है सबसे पहले आ, कुछ, किसी का भी कुछ भी हो सकता है ठीक है कुछ भी किसी लक बाई चांस किसी का भी क्वेश्चन कोई, कोई, हाँ, हाँ, कि सर आप तो जान पूछ के हो तो ये ओपन ओपन हाँ ठीक है तो सबसे पहले अब हमारे पास आ रहा है गुप्ता तो गुप्ता बताया कि वट डू यू मीन बाई दी पोटेंसी सेल टॉटी पोटेंसी सेल किसी के साथ कुछ भी आ सकता है हम तुम क्विट भी कर सकती हो क्या है कोई ये मैंने पढ़ नहीं रखा मैंने सर okay. आपसे मैंने आपसे हाँ, नहीं पढ़ा हां बिल्कुल 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 किसी को बुरा नहीं मानना है ठीक है तो हम यहां से करके लगाएंगे इसका मतलब तुम समझ जाओ जो, जो भी है आंसर क्या है टॉटी पोटेंसी सेल अब ये आ रहा है वानिका के पास वानिका टॉटी पोटेंसी सेल क्या होता है सर ये नहीं पता सर आपने पढ़ाया भी था नहीं पढ़ाया तो भाई, फाउंडेशन वाले बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए चाहे हम पढ़ाए ना पढ़ाए तो।, तो तो पढ़ाओ तो, तो सर आप तो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछ लोगे ऐसे सर आप तो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछ लोगे ऐसे भाई कुछ भी फाउंडेशन का मतलब है तुम्हें सारे जहाँ की चीजें पता है अरे सर हम फाउंडेशन में तो साइंटिस्ट बन गए यही होता है ठीक है

मतलब एक बात वैसे नहीं है लेकिन kind of meaning आ रहा है कि वो एक से दो तो बन जाएगा ठीक है इसी तरीके से हमारे पास आ रहा है एक, तो एक, 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 एक ऐसा हाँ 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 बोलो बोलो प्लांट्स के होता है, है। हा, 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 बुल, 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 नहीं नहीं हमारे पास भी होता है तो फुल तो फिर लेते तो तो ये प्लांट के लिए हो गया ना और हमारे लिए क्या हो गया बीइंग्स लिख दें अरे यार लिख दो भाई तुम सब लिख दो तुम्हें जो लिखना है ठीक है टोटी पोटेंसी का मतलब एक ऐसा प्लांट जिसके पास फुल एनर्जी है इस टाइम जो डिवाइड कर सकता है बस बात खत्म हो गई ठीक है ठीक है बच्चे यस yes, सर

ठीक है तो मैं मैं क्या लगा तुमसे पूछूंगा डू यू मीन सेल का मतलब भी अपने आप में क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एंडोप्लाज्मिक तो रेटिकुलम कोई है? याद नहीं आ रहा सर आपने कब पढ़ाया था भाई फाउंडेशन वाले बच्चे हो नई नई चीजें सीखने पे हमेशा बिलीव रखो ठीक है तुम्हें तो से मैं। हम से पूछ के उसका आंसर बता तो के नहीं, हम खालो और फिर नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता अरे तो नहीं, तो, तो सर नहीं।, सर नहीं रहे बस एक काम करो तुम ना हाईवे पे चले जाओ और प्रोटेस्ट करो ठीक है सर पहले पढ़ा तो दो पूछ रहे एंडोप्लाज्मिक एपरेटस हमारे पास क्या कहलाता है सीग्रीगेशन एपरेटस कहलाता है ठीक है और इसका फंक्शन क्या होता है वजह श्रेया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसपोर्टेशन बस ट्रांसपोर्टेशन होता है नहीं कैन वी से प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करता है यस सर कैन वी से लिपिड्स की भी करता है यस आइजिंग ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन ठीक तो ये अलग-अलग और ए, इसको सीग्रीगेशन एपिटस भी क्यों क्यों बोलते हैं क्योंकि ये एक ये दूसरे आगे? और हाँ बोलो बोलो ये दूसरे का क्या <laughs> फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है क्या, है क्या कहते हैं सिग्रीगेशन एपरेटस हाँ सिग्रीगेशन एपरेटस कहलाता है ये। क्या, क्या बोल एक... रहा है भाई एंडोप्लाज्मिक एपरेटस इज आल्सो कॉल्ड तो सिग्रीगेशन एपरेटस ठीक है यहां देखा में ठीक है

सबका ध्यान रखे सबका साथ सबका विकास इसलिए सर ये हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर uh, में आएंगे कुछ भी हो सकता है वैसे तो देखो दोनों का कंबाइंड है ना तो तुम्हारे मजे आ जाते हैं उस चीज में क्यों क्योंकि पेपर उनके हिसाब से भी बनता से है कंबाइंड तो... मत रखा करो अच्छा तुम्हारा अलग है बिल्कुल सही है फिर तुम्हारे नंबर मेरा नहीं सिर्फ मेरा नहीं सिर्फ मेरा नहीं सबका ठीक है कंबाइंड से फायदा होता कम्बाइंड बना दिया माइंड में क्योंकि उनका भी ध्यान रखा जाता है तो उनका, जाता है, तो उनका जाता है, तो इतने में तो मैं वो सब ऑलरेडी ऐसा हो ये तो बहुत ही बच्चों पर ऐसा है नहीं मैथ में उन्होंने दिखाई दिखा है, है तो प्लीज आपसे भी एक दो नाम दे <laughs> तो <देखते> <laughs> अच्छा अच्छा ठीक अब हम सारे नाम देखेंगे ठीक है प्रथम आ रहे प्रथम हाँ प्रथम तो एक बात अरे प्रथम तुम आजकल अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन करते क्या हो गया किसी तुम्हारी लड़ाई चल रही है क्या या किसी से तुम किसी को शकल नहीं दिखाना चाहते हो तुम यहाँ पे कोई है क्या ऐसा प्रथम क्या पर्थम? बात है तुम वीडियो ना यार लोग इंतजार करते हैं है, बताओ मैं, मैं तो आते मतलब आता था आती थी जो भी है ठीक है तो ये गलत बात है मतलब आती है ना बच्चों को देखने से ठीक है तो प्रथम से क्वेश्चन ये आ रहा है और शर्मा ज्यादा हाँ तो बताओ विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिटिल न्यूक्लियस लिटिल न्यूक्लियस ऐसा कौन सा लिटिल लिटिल न्यूक्लियस मुझे, मुझे नॉर्मल वेरी गुड सब ने एकदम क्विट की छड़ी लगा दी है बहुत अच्छी बात है बहुत सब, सब, सब लोग लो तो अरे भाई एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो जब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस जैसा होता है ना छोटा सा लिटिल न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस क्या पूछा आपने वेरी गुड

अरे हाँ हाँ, नहीं मैंने हाँ, क्वेश्चन हाँ. मैंने क्वेश्चन सुना ही नहीं था हाँ लिटिल न्यूक्लियस मैंने पूछा था सर लिटिल न्यूक्लियस क्या होता है तो लिटिल न्यूक्लियस का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट रहता है उसे हम छोटा सा न्यूक्लियस बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये वाला ठीक <laughs> है बच्चों ठीक है जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी हैं और मान लो तुम्हारे दादाजी अब तो जैसे मान लो तुम्हारा कोई छोटा सा भाई हो गया है ठीक है तो उसको क्या मान लो तुम्हारे दादाजी का नाम है अरविंद तो हम क्या बोलेंगे देखो देखो लिटिल अरविंद आ गया लिटिल अरविंद क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वो दादाजी का कॉपी लग रहा था थोड़ा छोटा सा ठीक है तो लिटिल इसका मतलब दादाजी का बेटा तुम्हारे पापा हुए और तुम्हारे पापा के मतलब एक और बेबी हो गए ठीक है ठीक है तो ये हमारे पास क्या है प्रथम ने भी क्विट कर दिया वेरी गुड शब्द ठीक है अच्छा यहाँ पे अब ना ये पैपे हाँ तो पैपे एक बात बताओ ये जो हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हाँ तुमसे ही बोल रहा हूँ मैं राशि हाँ बहुत अच्छा सॉन्ग था ये तो वेरी गुड <laughs> uh, uh, बहुत quit. अच्छा था ये एक्क्विट वेरी गुड हमें पता था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन तो सबको पता होता है यस yes. कोई बात नहीं कुछ बच्चों को नहीं पता होगा वैसे आई नो दैट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो वाटर बैलेंस और ऑस्मोरेगुलेशन awesome बना के रखता है किसी भी सेल के अंदर ठीक है अगर किसी में वाटर बैलेंस कोई भी सेल है अगर किसी भी सेल को वाटर को बैलेंस करना है या ऑस्मोसिस को रेगुलेट करना है अपनी बॉडी के अंदर तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है आंसर पे क्या मिलेगा तो गलत आंसर में हम बताएंगे तुम्हें एकदम बीच में तुम्हारे शकल रखेंगे और तीन चार चार ऐसे मारूंगा ठीक है अभी नहीं नहीं ये मैं आता हूँ यहाँ चेरी काउंटी में आता हूँ कुछ बच्चे खेल रहे होते वहीं पर ही आऊंगा दो तीन बच्चों की ही खेल रहे थे ये लोग ये कल अबे आज भी खेल रहे थे किसी को बॉल नहीं चढ़ा दिया किसी के घर में आज तुम लोगों ने मेरे को नहीं देखा लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया

कुछ ट्राई नहीं कर सकते ना वेरी गुड अब तुम हाँ, तुम ध्रुव राघव बताएगा ध्रुव राघव तुम एक बात बताओ ये जो स्टेटमेंट थी तुमसे चलो ठीक ठाक पूछ रहे हैं गाली दे रहा हूँ मैं गाली नहीं दे रहा हूँ रहे दूसरे भाषा में मुझे वो भी गंदी वाली ऐसा कुछ नहीं है भाई बताओ सेलुले

सर, तो सर तो मैं मैं तो 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 रियलिटी में मैं, मैं उसने यही बोला था, उसको कितनी खुशी की बात है स्टार्टिंग के छह बच्चों ने मचाया धमाल एकदम सब बच्चों ने लाइन से करा क्विट और ये फाउंडेशन के बच्चे शायद ये सवाल मैं अगर नॉर्मल बच्चों से पूछना सारे बच्चे एकदम हंड्रेड लेकर आते

<laughs> ये तो बेसिक हैं ना चलो कोई बात नहीं पर होता है तो एक माइको क्या होता है वट डू यू मीन बाय माइको प्लाज्मा, प्लाज्मा. कुछ लोगों के हाथ चल रहे हैं गूगल के ऊपर मुझे पता नहीं है क्या करो 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 खूब गूगल करो तुम सर तो मैं कह रहा हूं मैं, मैं लाइफलाइन ले रहा हूं हम्म हम्म माइकोप्लाज्मा कुछ बच्चों को तुरंत चलते हैं एकदम तो नेक्स्ट स्टेप माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा या प्लाज्मो प्लाज्मा प्लाज्मा क्या प्लाज्मो होता है प्लाज्मो प्लाज्मो होता है शट अप शट अप वो प्रोटोप्लाज्म होता है मैं माइकोप्लाज्मा पूछ रहा हूं सर नहीं पता श्रुति बोल दो अरे शर्मा मत कोई बात नहीं मुझे नहीं पता वेरी गुड माइक्रो होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है और ये एक अपने आप में बैक्टीरिया है मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहता है सबसे छोटा बैक्टीरिया जिसके पास अपनी कोई वॉल ही नहीं होती हैव एनी सेल्वॉल प्लाज्मो गूगल पे तो ऐसा डिजीज बता रहा है अरे हाँ, स्मॉलेस्ट है इसने माइक्रो तो है। है। प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्म होता है। तो चेक चेक प्लाज्मा होता है प्लाज्मा है ठीक है कोई बात नहीं आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है एक्चुअली लाइफ का इसलिए बोला माइको प्लाज्मा होता है माइको प्लाज्मा होता है और माइको प्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है ठीक है सर सॉरी अरे अरे कोई बात नहीं मजाक कर रहा सॉरी सॉरी अरे बस भाई सर अभी सॉरी सॉरी हाँ। करके परेशान करेंगे कोई बात नहीं थैंक यू सो मच ठीक है काबिल है तो तो ये हमारे पास भाई को ये कंफ्यूजन <laughs> है एक कंफ्यूजन है क्या हुआ <laughs> <laughs> कह रहे सर की काबिलियत में शक किया <laughs> <laughs> बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ, लिखा ना। हाँ, मैंने confusion मैंने लिख था ना यस हाँ, सर इसी लिए आपने स्लाइड से पढ़ाया था तो स्लाइड में माइको प्लाइको क्लास लिखा था यस सर ओ, ओके ओके फिर वो स्लाइड की गलती है ठीक है तो ठीक है, <laughs> है फिर तुम्हारी गलती नहीं माइको प्लाज्मा वैसे माइको भी अगर तुम बोलते हो तो तुम गलत नहीं हो लेकिन मेजर जो यूज़ होता है वो माइको प्लाज्मा होता है ठीक है अगर तुम माइको बोलोगे तो आपको तो चुप हो जाओ और जब गूगल पे सर्च किया उसमें एक बैक्टीरिया है हाँ और बैक्टीरिया मोस्टली प्रोकैरियोटिक होते हैं

और जस्ट लेट मी मुझे याद है वो डिबेट ठीक <laughs> है अच्छा ठीक है, और है, और है, और है अच्छा कोई बात नहीं एवरीथिंग विल बी तो ये तो बताओ तो <laughs> कोई बात नहीं अच्छा तो ये बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है या फिर होता है न्यूक्लियोइड क्योंकि बैक्टीरिया सारे क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक होता है ठीक है कोई बात नहीं चलो इट्स ओके नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आ, uh, um, मुझे पता है लाइन से एकदम छड़ी लगने वाली है ठीक है अब कौन बचा है वैसे uh, दीपेश अच्छा अच्छा मैं है ओके okay, ओके okay. दिपेश आ रहा है दीपेश एक बात बताओ ये दिपेश पीपीएलओ -पी क्या होता है <laughs> मुझे मैं लाइन oh. से छड़ी लगी है पी... अरे पता है तुम्हें ये बात ओ माय गॉड मेरे को लगा तुम्हें नहीं पता होगा ये नहीं nice. ये तो अच्छा क्विट वेरी गुड शब्बा यही तो मैं चाह रहा था लाइन से स्टार मिले ना तो अच्छा लगता है ठीक है तो पीपीएलओ का मतलब होता है निमोनिया निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म ठीक है ऐसे जो तुमको कॉज कर सकते हैं तो पीपीएलओ जैसे माइको प्लाज्मा इस माइको प्लाज्मा को हम पीपीएलओ ही बोलते हैं क्यों क्योंकि ये निमोनिया कॉज कर सकता है इतना छोटा बैक्टीरिया तो इनको एक नाम दिया जाता है निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ठीक है तो जो हैं और नोट्स है, है? में क्यों नहीं है? भाई क्योंकि मैं पूछ रहा ठीक है के लिए बच्चों से हम रहे कि तो उत... स्टार मत लगाओ अच्छा जीरो लगाते थे फिर ठीक है जीरो लगाएंगे आपके बाद अरे नहीं ठीक है पीपीएलओ का मतलब क्या है निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को प्यारे प्यारे

लाने का पूरा प्रयास करोगे हाँ वत्सल तो मेरी आवाज आ रही है वेरी गुड वत्सल हाँ तो वत्सल एक बात बताओ ये इलियोप्लास्ट और एलियोरोप्लास्ट क्या होता है ये तो मैंने फाउंडेशन का नहीं पूछा वैसे ऑलमोस्ट मतलब थो, थोड़ा सा फाउंडेशन है एलियोप्लास्ट और एलि... एलियोरोप्लास्ट वेरी गुड सन्नाटा पसर गया आई डोंट नो क्या बोला अच्छा ठीक so <laughs> है very good. तो क्विट तुम्हारा भी yes, sir. Okay. एक बार बोलो तुम एक बार प्यार से आई क्विट वेरी गुड है

एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट प्लास। ल्यूकोप्लास्ट वाले वाले स्टोरेज होते हैं तो उस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर अगर मान लो इलियोप्लास्ट की मैं बात करता हूँ तो इलियोप्लास्ट का मतलब होता है कि वो फैट को स्टोर करता है फैट्स एंड ऑयल को तो जब वो फैट्स एंड ऑयल को स्टोर करता है तो उसको हम ईलियो प्लास्ट बोलते हैं और एलियोरोप्लास्ट कोई बात नहीं एलियोरोप्लास्ट प्रोटीन प्रोटीन के लिए होता है का आपने है। सर। का प्रोटीनो प्रोटीनो और एलियोरो के लिए तो एक अमाइलो तो कार्बोहाइड्रेट होगा ना स्टार्च अच्छा ठीक है प्रोटीप्लास्ट भी बोल सकते हो और एक मेरे पास ये बेसिकली तीन होते हैं एलियो प्लास्ट एलियोरो अमाइलो प्लास्ट होता है बेसिकली स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए

और जस्ट तुम बताओ वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले लाइव सेल को देखा था लाइव सेल जिंदा सेल को और अपनी वीडियो ऑन करो अपनी तुम हाँ। अरे नाम क्या था भाई तुम अपने वीडियो ऑन करो पहले हाँ मैं कॉक सेल का तो याद है और अपना दूसरा हाथ ऊपर करना चाहिए एक बार हाँ अब अब बताना <laughs> नहीं यार

लेकिन जो लाइव सेल था जो जिंदा सेल, तो सेल, सेल होते हैं भाई कॉर्क में तो नकली नहीं मरे हुए जिंदा सेल देखा था एंटन वन लेक सब बच्चे पांच बार बोले अपने जोर जोर से एंटन वॉन लेकिन मन के अंदर बोलो मन केन लेवन हॉक कुछ बच्चे को चोर बोल रहे मत करो कुछ बच्चे बोल रहे अभी जाओ मैं सबके बात सुन सकता हूँ क्या बोल रहे तुम मन के अंदर रहते हैं फिर बताना क्या बोल रहे हैं

हाँ हाँ सक्षम पूछो क्वेश्चन सर आईसीएससी भी बना सकता है पेपर नहीं 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 इस बार बंगाल आईसीएससी का थोड़ा सा पैटर्न नहीं है ना लेकिन बंगाल बोर्ड से हाँ। ममता बनर्जी की रिक्वेस्ट आई थी कि हम ओ, बना सकते हैं तो ओ, सकते। और बंगाल बोर्ड से आजकल बीजेपी का क्लैश चल रहा है तो थोड़ा सा टफ रहा है है ठीक अब तुम जो बकवास करने में देखो सब नंबर वन है कोई पीछे नहीं है एकदम बकवास क्लास हो जाए तो एकदम बच्चे एकदम टूट पड़े अच्छा कौन बच्चा है अब श्रेया बच्ची है राइट ठीक है श्रेया और विदुषी बची है ठीक है अब इन दो के ऊपर पूरी की पूरी बैच की शान अटकी हुई है कि अब देखते हैं तो ये बाकी बच्चे कह रहे हैं कि फिर तो, पूछना जो ना <laughs> तो पूछना हमारे इसी साथ बिल्कुल 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 हम सबका ध्यान रखेंगे सबका साथ सबका एक जैसा विकास हाँ ठीक है तो अब आ रहा है हमारे पास सबसे पहले श्रेया से क्वेश्चन श्रेया तुम एक बात बताओ श्रेयाट इज द्लाज्मा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको कॉम्पोनेट में कितना परसेंट क्या क्या होता है <laughs> अब कुछ बच्चे कह रहे हूं? हो ये तो सबसे पूछ लिया वट इज दिशन ऑफ प्लाज्मा ओके और प्लाज्मा एम्ब्रेन बताना है प्लाज्मा एम्ब्रेन में क्या होता है आरबीसी के ह्यूमन कितना क्या, कितना परसेंट परसेंट क्या क्या एक बार वही शब्द बोलो जो दो वर्ड है बहुत फेमस बच्चों के <laughs> <laughs> सर को मजे आ रहे हैं ओके okay. ठीक है कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा जोर से बुलवाओ ना प्लीज <laughs> <इसे> मत करो ठीक <laughs> है तो ये हमारे पास ठीक है स्टार के साथ पूरे बैच ने एकदम धमाल मचाया अब तो भिदुशी, तो भिदुशी, अब विद्युषी हाँ हाँ आंसर है हमारे पास देखो सब बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे शायद मैंने मॉडल मॉडल तुम्हें करवाया क्या मतलब एक बार ऐसी हाँ, बना दी तो मैंने बताया था कि उसमें दो चीजें होती हैं सिर्फ लिपिड और प्रोटीन प्रोटीन तो बस लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनता है बाकी जितना रह जाएगा वो वाटर तो अगर तुम लिपिड प्रोटीन और वाटर बोलती तो भी वो सही मान लेता मैं

जिम्मेदारी ठीक है विदुषी करिए ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माय बेस्ट ठीक है तो विदुषी चलो आप देखो लक बात है हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्या पूछे फंक्शन अब कुछ मुश्किल प्लीज अच्छा तुम मतलब ये चाहते हो कि सारे का सच में स्टार आ जाए पर हम तो है तो आगे तो आगे तो सारे, तो सारे, अगर अपना जाता ना दूसरों का का और चाहिए चाहिए किसी अच्छा नहीं वो थ्री बात है व्हाट इज द साइटोस्केलेटन इन साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन दैट साइट सो so, शेप मेंटेन करता है सपोर्ट देता है सेल को और हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बिल्कुल सही जवाब दिया है हंड्रेड परसेंट मोटिलिटी भी बोल सकते हो सपोर्ट मोटिलिटी शेप मेंटेनेंस करता है वेरी गुड विदुषी ने दिखा दिया कि हम परफेक्ट तो ले जाने नहीं देंगे एक दो बच्चे हैं क्लवैच के अंदर जो थोड़ा सा मेंटेन रखते हैं एक बार जोर जाता है विदुषी के लिए जितने ही बच्चे हैं कुछ लोग तो शर्मा रहे हैं ऑब्जेक्शन तुम आप ऐसे सबसे पूछते सब आंसर कर देते हैं अब भाई मैंने बोला था ना कि लक्वी बहुत बड़ा काम करता है कभी सीबीएसई तो 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 में सीबीएसई तो तो सीब में चार सेट आते हैं अब चार सेट में भी क्वेश्चन कुछ अलग ना है इंग्लिश में पूछा था ना हिंदी में पता नहीं पूछना चाहिए था टफ था वो भी ठीक है बोला है, कुछ लोगों तो को तो एक, एक सेकंड जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है साइटोस्केलेटन का फंक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करता है मोटिलिटी प्रोवाइड करता है ठीक है साइटो और क्या होता है सर वही की इट गिव शेप टू द सेल होता है, क्या है? के अंदर wall, wall, और, uh, ये मूवमेंट कराता है सेल में फॉर एग्जांपल इन द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड ठीक है ये मच्छर कौन मार रहा है में <laughs> अच्छा ठीक है विदुषी तुम बताओ साइटोस्केलेटन के बारे में जो तुम्हें पता है

क्या कभी ऐसा देखा है 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 कि वो वो नीचे लटक रहा है क्योंकि भारी हो गया नहीं एकदम मेंटेन मेंटेन रहता तो 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 इसी तरीके से मकड़ी का चला जैसा स्ट्रक्चर बनता तो शेप करता है उनका तो यही तो अपने आप में अच्छी बात तो थोड़ा तो 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 सा okay, तो तो थो 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 अच्छा लगे हाँ एक गिव मी वन मिनट देख देख पा पा रहे रहे हो हो ये, ये साइड साइड ये, ये। तो राइट साइड में देखो जैसे ये ये कोई मोर का पंख नहीं है तो हाँ अच्छा लग लग तो ये हमारे पास क्या है तो ये अपने आप में साइटो स्केलेटन है ठीक है इस तरीके से तो ये नेटवर्क होता है और ये बेसिकली में ठीक है भाई कोई भी डाउट है इसके अंदर तो ये था हमारे पास पहला राउंड अब आ जाते हैं yes, 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 yes. है। सेकंड of... प्रोटीन okay, था था। तो ये ये राउंड यहां तक किसी को भी कोई डाउट है पहले राउंड में वत्सल तुम्हें समझ में आया सब क्या बोला हमने जितनी भी आज बातें हुई yeah. तुम तो बाईजूस से पढ़ते हो ना मैंने सुना है तुमने टैब ले रखा है शायद बाइजू ने टैब ले रखा है बेटा तो इसलिए ठीक है ठीक है कोई बात नहीं गुस्सा नहीं अच्छा अच्छा ठीक तो ये हमारे पास दो आ, हमारे हमारे पास नेक्स्ट राउंड ठीक है तो नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास ठीक है मान्या आर यू रेडी फॉर दिस सेकंड राउंड ठीक है कुछ बच्चे कहते हैं स्टार आएगा हम तो फाइव स्टार लेके जाएंगे यार कुछ भी हो जाए ठीक है पर ये फाइव स्टार चॉकलेट नहीं है अफसोस वाली बात ठीक है चलो अब थोड़ा ठीक ठाक सा पूछते हैं

वो कह रहा है कि की ही बोलेंगी लड़कों की जिसको पता है ठीक हैं है बाकी पूछूंगा मैं वही जिससे मेरा मन करेगा ठीक है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टू एग्जांपल्स ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो ये आ रहा है हमारे पास सक्षम थोड़ा ज्यादा रहा है हाँ, सक्षम तुम तुम बताओ <laughs> बहुत स्माइल हो रहा था तुम बात कर रहे थे ना प्रथम से चुपके <laughs> सर तो ये नहीं पता अच्छा, देख रहा था साइंटिस्ट <laughs> हाँ, तो पौस्त, था तो

ठीक है जैसे एक वो है ना कि मतलब चुनरी छोड़ो सब छोड़ो मैं भी क्या बोल रहा हूँ हाँ एक चुन्नी है मान लो ठीक है तो चुन्नी सी जो है मान लो अब ओजस ने घोल बनाया गुलाल का पानी के अंदर ठीक है उसने वो सफेद चुन्नी उस गुलाल के घोल में डाल दी तो बताओ चुनरी रंग में रंग जाएगी या नहीं रंग जाएगी yes, <laughs> तो बिल्कुल वो भी गुलाबी हो जाएगी या व्हाइट ही रहेगी अरे गुलाबी हो जाएगी गुलाब हाँ गुलाबी हो जाएगी ठीक है पिंक हो जाएगी ठीक है पिंक कलर तो वो पिंक हो गई इसका लेकिन उसने अब देखो तुम अब फिर क्या करा तुमने तो अब वो लड़की आई कि वो मेरी मेरी चुनी दे तो ये ने ले ले तो कह रही तो पिंक है मेरी तो व्हाइट सी कह रहा ये वही है कह रही चल बदतमीज थप्पड़ मार दिया इसके कि मेरी चुनी दे व्हाइट वाली तो फिर फाइनली कह रहे ठीक है ठीक है गुस्सा मत कर और बदतमीज मत कर मेरे साथ तो ये अंदर गया इसने धोया उसे खूब चुन्नी को लेकिन चुन्नी का रंग नहीं गया मतलब चुन्नी मतलब चुन्नी पिंक थी और पिंक ही रही ठीक है तो इसने बोला ए पिंकी ले अपनी चुन्नी ले ले पिंक ठीक है

तुम साइंस पढ़ी हो फिर तो, तो, ग्राम तो लिखा हुआ होता है हाँ वही है ये ठीक है तो अगर जिससे वो मिला और वो उसी का होके रह जाए तो उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं लेकिन कुछ होते हैं ना बदतमीज जो कितने लोगों से मिले, लेकिन किसी के हो नहीं सकते वो ठीक है होते हैं कुछ दुनिया में ऐसे लोग ठीक है तो हाँ हाँ तुम समझोगे भी नहीं तुम देखा करो थोड़ा सा ठीक है इसीलिए अच्छा तो अब हमारे पास एक चुन्नी है मान लो तो पहले इसने चुन्नी को गुलाब में डाला तो वो पिंक कलर की हो गई फिर इसने उसे ग्रीन वाले में डाला वो ग्रीन कलर की भी हो गई और फिर जब धो दिया तो वो फिर से वाइट हो गई मतलब वो चुन्नी बड़ी ही फ्लेक्सीबल है यार मतलब जिसमें डालो वो उसके सा कर। होते ना बच्चे? साथ होते हैं वैसी बातें करते हैं जो भी उनकी बात मान रहा होगा उसकी बात बिल्कुल उनको जो चीज चाहिए वो ऐसे मजाक में बातें निकलवा लेते हैं वो पापा ये ले लूं क्या एकदम करके लेते हैं और जब भी कुछ जैसे मान लो बड़े भाई की पिटाई हो रही है तो भाग जाएगा वो कि हाँ हमारो <laughs> मुझे ही मारा था तो ठीक है जैसा माहौल वैसा काम तो ये क्या होता है मेरे पास चलो ये सब छोड़ो ज्यादा ही उसमें तो जो अपना कलर को रिटेन नहीं कर पाता है उसे हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव ठीक है तो ये दो टाइप के बैक्टीरिया की इसने डिवरी करी है प्यारे प्यारे बच्चों ठीक है तो ग्रीशम डी ग्राम ने किस बेसिस पे इनको करा स्टेनिंग टेक्निक पे ठीक है जो रिटेन जिसने कलर को रिटेन रखा वो क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और जो रिटेन नहीं कर पाता ग्राम 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 है, ये चीज़ याद रखना है तो इसी तरीके से वो में देखा जाता है तो सिंगल लेयर बोलना ठीक रहेगा सिंगल लेयर ग्राम पॉजिटिव वाले की इसकी सिंगल लेयर होती है लेकिन इसके अंदर टू लेयर्स होती है ठीक है ग्राम नेगेटिव वाले के अंदर टू लेयर ठीक है याद रहेगा सब बच्चों को ठीक है भाई तो बस ये याद रखना चलो एग्जांपल अभी मत करो वो तुम तो आगे जाके डिटेल में पढ़ना ठीक है तो हम क्वेश्चन चेंज मुझे पॉइंट मिलेगा अभी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें बस एकदम तो नॉर्मल रहेगा न्यूट्रल रहेगा पॉइंट क्यों मिलेगा एक तो बताया नहीं ऊपर से पॉइंट चाहिए ठीक है चलो ठीक <laughs> है सक्षम चलो अभी इस बार ठीक ठाक पूछते हैं सक्षम तुम बताओ विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग एंड व्हाई अब तो अच्छा आ गया लाइसोसोम्स बिकॉज़ दे ईट देयर ओन सेल्स इन केस ऑफ एनी बर्स्ट ऑफ Foreign okay. agents that can harm the cell. Okay. Can we also say uh, in case of infection? Sir, so foreign agents that can ca harm the cell are infectious disease. Okay. Causing uh, any any outer agent yeah any foreign agent which may cause infection, right? So yes, it can kill its own cell to protect the surrounding cell. Yes, so यही वजह से मालू तुम सारे दोस्तों लेकिन मालू किसी को क्या हो गया किसी कोई गंदी वाली बीमारी हो गई तो तुम सारे पार्टी कर रहे हो. तो अब मोला तुम्हारा जिगरी दोस्त मैं तो आपको खुद ही मान लिया तो मुझसे उनको उसको पता था कि तुम लोग जिगरी तो हो लेकिन तुम लोग उसका कतल कर दोगे तो इससे अच्छा यही है कम से कम मैं खुद ही कतल कर लूँ ताकि मेरा नाम भी हो जाए और मेरे दोस्त वे इंजाम भी ना लगे ठीक है कितना अच्छा दोस्त है प्यार पैदा ठीक है आई नो ऐसा कोई है नहीं लेकिन ठीक कुछ लोग ऐसे होंगे को कोई बात नहीं अब मेरे को गए ना मैं सबको फैलाऊंगा देखो तो कोरोना भी तो इसलिए फैला काउंटी में कुछ लोगों की आ जाते हैं ऐसे मिलते थे ना ये लोग कुछ बच्चे कि अब तो कोरोना फैलाएंगे आओ कोरोना फैलाए बच्चों ने थोड़ी किया है बच्चा है। नहीं किया तो, है था हाँ। था वो बच्चे, उस बच्चे को फिर भी नीचे भेज दिया था। अच्छा तो हम लोग छह छह महीना तक रहे कोई बात नहीं गुस्सा नहीं तो ये आ, हाँ। हमारे थीक पास थीक तो ये हमारे पास ठीक है बिल्कुल सही बताया तो इसलिए हम इसको देंगे इसको हम टिक देंगे ठीक है टिक टिक मिलेगा ये येलो कलर से ठीक है आ रहे हैं हमारे पास कोई ब्लू या कोई और कलर लेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है मानने बोला मैं मानना पड़ेगा ठीक है तो ये हमारे पास टिक आ गया ठीक <laughs> नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास अम, अच्छा हम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं ना व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम रेस करें जिसको पता है रेस जिसको पता है सेंट्रोसोम ठीक है पर अफसोस हम उससे पूछेंगे जिसको नहीं पता है सब लोग हाथ मुझे पता है अब सब लोग हाथ उठाएंगे अब, हाँ उठाएं <laughs> अब 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 मुझे बचाना पड़ेगा किसको रियल में नहीं पता है <laughs> कुछ लोग अब राजनीति करेंगे यहाँ पे ठीक है तो चलो पैपे बताएगा पैपे भी हाथ उठा रहे ना सर, पैपे का, का हाथ भी है ऐसे करके ठीक है तो पैपे तुम बताओ ये सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है राशि बहन हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ अरे तुम्हारी आवाज ऐसी है अच्छा वो कोई और था ओके ओके राशि हम तुमसे बात कर रहे हैं सो so, माइक खराब हो गया ओके 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 हाँ हो जाता है क्योंकि माइक खराब हो जाता है <laughs> हां तो बताओ ये सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है चलो कोई बात नहीं तुम तो इतना टाइम लोगे तो मैं बता देता हूँ सेंट्रोसोम जो होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है एम आई राइट

आगे में मोर एक्स हाँ, हाँ, और एक तो आगे वाला प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो नाम बताए थे ना मैंने याद नहीं है कोई बात नहीं तो आगे वाला जो होता है वो सेल डिवीजन करवाता है जायगोट में जब ये फ्यूज कर जाएगा वो के साथ और पीछे वाला पूरे स्पर्म को होल्ड करके कर कर रखता है क्यों क्योंकि मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी तक जाना होता है यूट्रस के अंदर फिर फे फेलोपियन ट्यूब तक तो ये उसके टेल को पकड़ के रखता है पीछे वाला सेंट्रोजोम ठीक है इसके इस पर... नेम्स क्या बताए अपने आगे और पीछे वाले के ठीक है वैसे तो याद अभी नहीं करने हैं पर कोई बात नहीं तुम एक्स्ट्रा पढ़ सकती हो प्रोक्सीमल सेंट्रोजोम मतलब आगे वाला सेंट्रोजोम और ये पीछे वाला डिस्टल सेंट्रोजोम डिस्टल ठीक है तो प्रोक्सीमल इसको वैसे सेंट्रोजोम को सेंट्रियोल भी बोल सकते हैं सेंट्रियोल ठीक है So, इसका मतलब सी, सीलिया फिलेजिला देने में भी कौन हेल्प करता है ये अच्छा। ही करता है ठीक हाँ। है अच्छा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का मेन फंक्शन क्या होता है कोई बता सकता है क्या प्यारे प्यारे बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये हाँ हाँ बोलो बोलो जो बोल रहा है एक्टिव शायद ये होता है कि या तो नहीं है कि तब सेल के अंदर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो वो ऐसा हो गया इन द uh, ये शायद मैंने डिजीज में बताया होगा हाँ कि वो शायद अपोजिंग डायरेक्शन में हो गया वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड जिसमें एनर्जी लग जाती है

हाँ NGT वो भी है था? वो भी है एनजीटी लेकिन मैं तो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी का मैंने नाम, नाम लिया था अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम लिया था ना दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सर मैंने अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई डीयू वो डी अच्छा है अच्छा सर हां टीय अलग है डीटी है हां टीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी अभी इंजीनियरिंग वाली हां हां सर समझ गया समझ गया और डी ओ तुम बत्ते मत करो तुम जानबूझ के बोल लो ना ऐसे डाकि बच्चों अभी रुक जाओ तो मैं बताएंगे अच्छे से आ,

ठीक है प्रथम प्रथम बहुत दिनों से तुम प्रथम नहीं आ रहे हो यार बहुत दिनों से तुम द्वितीय तृतीय भी नहीं आ रहे हो चतुर्थ भी नहीं आ रहे हो क्या हो गया है तुम्हें पहले पहले सबसे मुझे याद है सबसे पहले टेस्ट में प्रथम जब नाम सुना था जानते नहीं था मैं तो तो प्रथम ने प्रथम आ गया था तो पहला पहली बार में तो एक तो मैसा था कि प्रथम ही है बस और फिर बाद में रियलाइज हुआ कि तुम तो प्रथम लास्ट से भी प्रथम आ रहे हो आजकल ये क्या हो रहा है तुम्हें है बीच में आते तुम्हें कुछ हो गया क्या कोई कोई मिल गया क्या तुम्हें मतलब आई मीन डेविट हो गए हो तुम कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे जिंदगी में नहीं सर क्या बोल अच्छा अरे मतलब चलना मतलब क्या था? तुम कोई दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या पता कंपटीशन कंपटीशन चल रहा हो नहीं सर कोई कंपटीशन अच्छा सर आपने गलत तो, जगह पॉइंट कर दिया प्रथम के लिए

ठीक <laughs> हाँ, है।, <laughs> है सक्षम हाँ सक्षम से तुम तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए अब हम आते हैं हाँ प्रथम से बात चली थी थी तो प्रथम बड़ा घुस हो गया भूल गए सर का मुद्दा भटक गया हाँ प्रथम तुम तो एक बात बताओ

एंड पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता दे है पावर हाउस ऑफ द सेल सेलोटॉन अच्छा एस, वो कौन सा सोल्यूशन सर्फ मोटा हो जाता है और किस में छोटा हो जाता है अच्छा तो दो वर्ड मैंने बताए थे ना फ्लैसिड और टर्जिट हाइपो में टर्जिट हो जाता है वो ऐसे करके एकदम ठीक है और उसमें फ्लैसिड में ऐसे करके पतला ठीक है तो फ्लैसिड फ्लैसिड में पतला और टर्जिट में मोटा और किस वाले में सेम रहता है

ट का लेकिन ठीक है अब कहीं पे मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है तो टीचर भी कभी कंफ्यूज हो जाता है टीचर हम हम क्या करते हैं हम जो तीन चार बुक देख रहे होते हैं तो उसमें तीन चार कंटेंट मिलता है तो अब हमारा दिमाग में ना अब सही हो जाता है मैंने कहा क्या हो रहा है मतलब क्यों हो रहा है तो इसलिए कभी मैं कुछ और कंटेंट लिखवा तो फिर कभी कुछ और बोल देता हूँ तो फ्लैसेट का मतलब ही वैसे पतला ही होना होता है लेकिन स्टिल आइजोटोनिक में फ्लैसेट क्या होगा आइजोटोनिक में तो साइज ही सेम रहता है खुद सोचो लेकिन ठीक है अब क्या करें कंटेंट का झूल वाला है अब क्या कर सकते हैं पर कोई बात नहीं